हाफसाबाद से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं और सब सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद दस्तक की तरफ से देता हूँ कि ये हज बैतुल्ला से वापस आए हैं। बेहद ममनून है कि ये तशरीफ ले आए जनाबे हाजी अकरामुल आजम साहब। सब अहबाब को उस मुबारकबाद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और कभी शायरी के सफ़र में नातें कहीं सलाम कहें लेकिन हम्द कहने का हौसला नहीं हुआ और ज़िंदगी में पहली दफ़ा चंद अशआर ए रब्बे काबा ए परवरदिगार ज़ुल-इज़्ज़त वाह ए रब्बे काबा ए परवरदिगार ज़ुल-इज़्ज़त हुज़ूरे कल्ब से माज़ूर जिस्म की जुरत ए रब्बे काबा ए परवरदिगार ज़ुल-इज़्ज़त हुज़ूरे कल्ब से माज़ूर जिस्म की जुरत और मताफ़े नूर में गर्दां ज़ुनूब का पैकर मताफ़े नूर में गर्दां ज़ुनूब का पैकर हरीसे उफ़ तलबगारे जुम्बिशे रहमत नज़र की ताब नहीं है निगाह नादम को नज़र की ताब नहीं है निगाह नादम को वफूर शुक्र से दुरहाए अश्क बेकीमत वफूर शुक्र से दुरहाए अश्क बेकीमत रिजा उरूक में धड़कन के साथ महवे खिराम रिजा उरूक में धड़कन के साथ महवे खिराम मुहित मुहित होशो खिरत एक अजनबी दहशत जलाल गाह की दहलीज पर बुलाया गया दहलीज पर बुलाया गया अगरचे दावे की वक़्त न ताब की ताकत अगरचे वक़्त न ताब की ताकत और इलाही तेरे करम के बगैर चारा नहीं गुना ज्यादा नदामत से और कम बोले करम के बगैर चारा नहीं गुना ज्यादा नदामत से और कम बोले बस एक फजल की बिंदी सरे अमलनामा बस एक फजल की बिंदी सरे अमल नामा उयूब खत्म गुना कल अदम खता गारत की बिंदी सरे अमल नामा उयूब खत्म गुना कल अदम खता गारत फजाए बता की खैरात साथ ले जाए फजाए बता की खैरात साथ ले जाए वसूल जिससे करे पाक सर जमीन बरकत क्या कहने क्या कहने सुभान अल्लाह। गजल के चंद